आज हम इंद्र सूक्त के आठवें मंत्र से अनुवाद प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पूर्व में इंद्र के प्रेरक, नेता और ब्रह्मांड के शासक, नियंता के रूप में इंद्र देवता का चित्रण हमने देखा। इस मंत्र में इंद्र को विजय प्रदाता देवता के रूप में बताया गया है। इंद्र आर्यों के राष्ट्रीय देवता है और आर्य अपनी विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र का आह्वान करते हैं। यम क्रंदसी संयति विवयेते परे अवर उभया अमित्राः समानं चिद्रथम आतस्ति मांसा नाना हवेते सजनास इंद्रः। यम जिस इंद्र को क्रंदसी शोर करती हुई, कोलाहल करती हुई, संयति परस्पर लड़ती हुई, संघर्ष करती हुई सेनाएं विवयेते विवयते बुलाती है, इसका आह्वान करती है अपनी सहायता के लिए, जिसे बुलाती है। परे अवर उभया अमित्राः, पर अवर परे उत्कृष्ट और अवर निम्न निकृष्ट, उभया दोनों अमित्राः शत्रु, जिसका विवयेते आह्वान करते हैं अपनी सहायता के लिए, जिसे पुकारते हैं। समानम चित, समानम समान, एक चित यानी ही, समान ही रथम रथ पर आतस्थि वांसा आरूढ़ बैठे हुए दो योद्धा, नाना हवेते भिन्न भिन्न प्रकार से जिस इंद्र का आह्वान करते हैं, जनासह हे लोगों सह इंद्रह, वह इंद्र है। बिना इंद्र की सहायता के कोई भी योद्धा युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। द्यूलोक या पृथ्वीलोक समस्त जो योद्धा है वो अपनी विजय के लिए इंद्र का आह्वान करते हैं, उससे सहायता की कामना करते हैं। क्रंदसी वैदिक प्रयोग है, द्विवचन का रूप है, द्यूलोक और पृथ्वीलोक की सेनाएं, मानुषी और देवी सेनाएं, यह तो सायन ने अर्थ किया है और पाश्चात्य विद्वान इसका अर्थ करते हैं पक्ष और विपक्ष की सेनाएं। पक्ष और विपक्ष की सेनाएं जब आपस में लड़ती है तो सभी अपनी अपनी विजय के लिए इंद्र को पुकारती है। ऐसे ही परे अवर उत्कृष्ट और निकृष्ट तो सायन ने किया इसका अर्थ और पाश्चात्य विद्वान करते हैं पक्ष और विपक्ष। दोनों ही प्रकार के जो शत्रु है अपनी अपनी विजय के लिए इंद्र को पुकारते हैं। चित रथम समानम, एक ही रथ पर बैठे हुए इंद्र और अग्नि, कई प्रकार से इसके अर्थ किए हैं और समानम चित रथम का एक अर्थ ये कि एक ही रथ पर बैठे हुए सारथी और योद्धा, या एक समान रथ पर बैठे हुए दो अलग अलग योद्धा। तो इस प्रकार विजय प्रदाता, विजय देने वाले देवता के रूप में यहाँ इंद्र का चित्रण किया गया है। नवा मंत्र है, यस्मान् न रीते विजयन्ते जनासु यम युद्धमाना अवसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत सजनास इंद्रः। यहाँ इंद्र को शक्तिशाली देवता के रूप में, ब्रह्मांड के शासक के रूप में यह चित्रित किया गया है। यस्मात् जिसके रीते बिना जनासह लोग न विजयन्ते विजय प्राप्त नहीं करते हैं, जिस इंद्र देवता की कृपा के बिना, सहायता के बिना लोग युद्ध में विजय प्राप्त नहीं करते हैं। यम युद्धमाना, जिस देवता को युद्धमाना युद्ध करते हुए अवसे हवन्ते, अवसे रक्षा के लिए, हवन्ते पुकारते हैं, रक्षा के लिए आह्वान करते हैं। यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, यो जो इंद्र देवता विश्वस्य विश्व का प्रतिमानं बभूव, प्रतिमूर्ति प्रतिरूप हो गया है, विश्व का जो परिमाण निश्चित करने वाला है या जो संसार की प्रतिमूर्ति है, अर्थात इंद्र की सत्ता के बिना संसार की कोई भी वस्तु, संसार का कोई भी पदार्थ अपना कार्य नहीं कर सकता है। इंद्र की कृपा से ही संसार
में सभी अपना अपना कार्य करते हैं, इसलिए इंद्र को विश्व का संसार का प्रतिमान या प्रतिरूप बताया है, प्रतिकृति बताया है। यो अच्युत च्युत स जनास इंद्रः, जो अच्युत को च्युत करने वाला है, अच्युत अर्थात जो स्थिर दृढ़ पर्वतों को भी स्थान भ्रष्ट करने वाला है, नष्ट करने वाला है। पहले चंचल और गतिशील पर्वतों को इसी इंद्र ने स्थिर किया था, तो उसी इंद्र में स्थिर को गतिशील करने की भी सामर्थ्य है, नष्ट करने की भी सामर्थ्य है। यहाँ अवसे में तुमुनार्थक असई वैदिक प्रत्यय है, द्वितीय के योग में अस्मात् में पंचमी है, जनास में प्रथमा बहुवचन का ये वैदिक प्रयोग है। तो शक्ति संपन्न और संपूर्ण संसार के शासक, ब्रह्मांड के शासक के रूप में और युद्ध में अपने उपासकों को विजय प्रदान करने वाले देवता के रूप में यहाँ इंद्र का चित्रण किया गया है। अब अगला मंत्र है, यह शश्वतो मही एनो दधानां अमन्यमानान शर्वा जगान, यह शर्धते न अनुददाति सिद्धिहां, यो दश्योह हंता सजनास इंद्रः। यहाँ पापियों के विनाशक के रूप में और असुरों के विनाशक के रूप में इंद्र का चित्रण है, इंद्र का वर्णन है, इंद्र के पराक्रम का यहाँ कवि ने या ऋषि ने वर्णन किया है। यह जो इंद्र देवता मही एनह दधानान, मही अर्थात बड़े, एन यानी पाप, बड़े पापों को धारण करने वाले अर्थात पापियों को, और शश्वतः, शश्वतः अर्थात बहुत से अमन्यमानान, जो इंद्र को नहीं मानते हैं, इंद्र के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, उसकी सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं, ऐसे लोगों का सर्वा जगाना, सर्वा वज्र से जगाना उन्हें नष्ट कर देता है, वज्र से मार डालता है। यह शर्धते, जो इंद्र देवता शर्धते अर्थात उद्दंडी, उत्सृंखल व्यक्तियों के श्रद्धाम, उद्दंड को, उनकी श्रृंखलता को न अनुददाती, सहन नहीं करता है, अर्थात जो उद्दंडियों के उद्दंड को, अभिमानियों के अभिमान को सहन नहीं करता है, उनका किसी प्रकार से सहयोग नहीं करता, उनकी सहायता नहीं करता है। यो दस्योह हंताहा, जो दस्योह असुरों का हंताहा विनाशक है, विनाश करने वाला है, हनन करने वाला है, जनासह हे लोगों स इंद्रह, वह इंद्र है। तो यहाँ पापियों और दुष्टों के विनाशक के रूप में उनका वध करने वाला, और साथ ही जो नास्तिक है, जो इंद्र के अस्तित्व को नहीं मानते, उसकी सत्ता को नहीं स्वीकार करते, उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखते, ऐसे लोगों को भी वह अपने वज्र से मार डालता है, और उद्दंडियों या उच्छृंखल व्यक्तियों की उद्दंडता को वह कभी भी सहन नहीं करता है। न अनुददाति का अर्थ पाश्चात्य विद्वान क्षमा करना करते हैं, अर्थात अभिमानियों के अभिमान को वो कभी क्षमा नहीं करता है, उच्छृंखलताओं को कभी वो माफ नहीं करता है, और दस्योहंता असुरों का या शत्रुओं का वो विनाश करने वाला है। यहाँ शर्वा शब्द का प्रयोग किया, शर्वा का अर्थ है वज्र, और वज्र से ही इंद्र अपने सभी शत्रुओं का और असुरों का विनाश करता है। यह वज्र महर्षि दधीचि की अस्थियों से निर्मित किया गया था और इंद्र का प्रमुख आयुध या अस्त्र है। यहाँ पर भी जनासा में प्रथमा बहुवचन वैदिक प्रयोग है। अगला मंत्र है, यह शंभरम पर्वतेषु क्षियंतम चत्वारिश्याम शरदि अन्वविन्दत अनु अविन्दत ओजायमानं यो अहिह जगान दानुं शयानं सजनास इंद्रः। यहाँ शंबर और अहि दो जो प्रमुख इंद्र के शत्रु थे, आर्यों के भी प्रमुख शत्रु ये बताए गए हैं, इनका वध इंद्र करता है,
इसका इसमें उल्लेख किया गया है, तो इंद्र के पराक्रम का ही यहाँ ऋषि ने प्रदर्शन किया है। यह जिस इंद्र ने पर्वतेषु पर्वतों में शियंतम रहने वाले निवास करने वाले शंबरम शंबर नामक असुर को चत्वारिश्याम शरदी अनु अविंदत चत्वारिश्याम 40वें शरदी अर्थात वर्ष वर्ष में अनु अविंदत ढूंढ कर प्राप्त कर लिया था, खोज कर प्राप्त कर लिया था। यो यह जिस इंद्र ने ओझाय मानम पूज का प्रदर्शन करने वाले अपनी शक्ति अपने बल का प्रदर्शन करने वाले अर्थात शक्तिशाली शयानम लेटे हुए सोते हुए दानुम दानुम दानव दानु के पुत्र अही अही को अही राक्षस को जगाना मार डाला था। जनास हे लोगो सह इंद्र वह इंद्र है। शंबर आर्यों का भी शत्रु था, आर्यों को अनेक प्रकार से कष्ट देता था, पीड़ा पहुंचाता था, दुख देता था, और आर्यों के अनुरोध पर निवेदन पर ही इंद्र ने 40 वर्षों तक शंबर नामक राक्षस की खोज की थी, पर्वतों और गुफाओं में उन्हें ढूंढा उसे ढूंढा था, और 40वें वर्ष में शंबर राक्षस को ढूंढ निकाला और इंद्र ने अपने वज्र से उसका वध कर दिया था। अही भी इंद्र का प्रमुख शत्रु है। अही असुर का वध भी इंद्र ने अपने वज्र से किया था। अही का अर्थ है न ही इति अही अर्थात गतिहीन। अही ऐसा मेघ जो बरसता नहीं है, इंद्र उसे मार कर फिर वर्षा करते हैं। इस रूप में भी अही का अर्थ बताया गया है, और अही राक्षस भी बताया गया है जो जलों को बांध कर रखता था और आर्यों को और इंद्रलोक या स्वर्गलोक के देवताओं को कष्ट दिया करता था, पीड़ा पहुंचाया करता था। इस प्रकार से 8 से 11 मंत्रों तक का अनुवाद हमने समझा है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।